नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं प्रदूषण के ऊपर निबंध लेकर आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रदूषित वातावरण के लिए पूर्ण रूप से मानव समाज जिम्मेदार है, क्योंकि वह सभी प्राणियों में समझदार होते हुए भी अपने फायदे के लिए हर प्रकार के कार्य सिर्फ एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए वह कार्य का दूसरा पहलू समझने की ज़रूरत नहीं महसूस करता। वह दूसरा नकारात्मक पक्ष प्रदूषण के रूप में सामने आता है। चलिए जानते हैं प्रदूषण होता है कैसे। बहुत से उम्रदराज लोगों ने अपने बचपन में देखा होगा कि दैनिक उपयोग में आने वाली बहुत सी वस्तुएं कागज, कपड़े तथा लकड़ी की बनती थी, जो खराब होने के बाद सड़कर मिट्टी में मिल जाती थी, और इस वर्तमान समय में उनकी जगह प्लास्टिक ने ले लिया है, जो उपयोग में नहीं रहने पर सड़कर खत्म नहीं होता है तथा कचरे के अंबार में बदल कर दुर्गंध फैलाता है, जिससे वायुमंडल दूषित हो जाता है। यही प्रदूषण है। प्रदूषण फैलाने में अन्य बहुत कारक हैं, यथा कारखाने से निकले हुए धुएं, गंदा पानी तथा अन्य पदार्थ। चलिए जानते हैं प्रदूषण कम करने के उपाय। वनीकरण की प्राथमिकता, प्लास्टिक का उपयोग बंद करना, घरों के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना, जनता में सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना, अनुपयोगी पदार्थ को एक निश्चित जगह पर रखकर उन्हें नष्ट करना चाहिए, ऐसी बहुत सी सारी बातें ध्यान रखकर प्रदूषण कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं प्रदूषण से होने वाली हानि। वर्तमान समय में प्रत्येक नागरिक किसी न किसी रोग से पीड़ित है, यह सब प्रदूषण की देन है। श्वास संबंधी हानि, श्रवण संबंधी हानि, नेत्र विकार, अनिद्रा व चिड़चिड़ापन, याददाश्त की कमी, पौष्टिक खाद्य पदार्थ का अभाव, पर्यावरण के प्रतिकूल कार्य, यह सब कारक प्रदूषण से उत्पन्न होकर हानि पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं प्रदूषण रोकथाम के उपाय। बड़े कंपनी कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित तत्व को कम करने का पहले से ही प्रयास करना चाहिए, लेकिन मानव समाज का स्वभाव ही ऐसा है कि मर्ज जब अधिक बढ़ जाता है तब दवा ढूंढने का प्रयास करता है। कृषि कार्य में जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाने से भी अनाज को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। कंपोस्ट खाद का अधिक उपयोग होना चाहिए तथा नीम के वृक्ष लगाने चाहिए। नीम की खली कृषि कार्य में उपयोग करने से अनाज को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 2 पेड़ लगाना अनिवार्य होना चाहिए, जिससे प्रदूषण कम करने में सहायता मिल सके। पेड़ लगाने से वायु की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, तब सभी व्यक्ति स्वस्थ रह सकेंगे। ऐसे कई प्रयास करके प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।